Dear friends, how are you? Today I will read 17 ऑफ होती है अंकुर रोहन, joy, अंकुर, रोहन और ये तीन दोस्त क्लासरूम से बाहर आते हैं एंड रेस टूआर्ड द मैंगो ओचारो बाग की तरफ दौड़ते हैं जस्ट वन हंड्रेड यार्ड्स फ्रॉम द स्कूल जो कि उनके स्कूल से सौ गज की दूरी पे था मतलब जैसी ही रंच की बैल होती है तीन दोस्त अंकुर रोहन और जोए क्लासरूम से बाहर आते हैं और आम के बाग की तरफ जो कि उनके स्कूल से सौ गज की दूरी पे था उसकी तरफ दौड़ते हैं देफ्ट ओवर द वॉल वो दीवार से कूदते हैं एंड जम्प इन टू दाग में कूद बाग में कूद जाते हैं मतलब दीवार को कूद के वो बाग में पहुंच जाते हैं दे देर वर मैनी रोज और मैंगो ट्रीज भी ड्राइसिस येलो मैंगोस वहाँ पर जैसे यहाँ देखिए वहाँ पर मैंगो के जो वृक्ष थे वो पंक्तियों में बहुत सारे थे जिसपे स्वादिष्ट येलो पीले आम लगे हुए थे मतलब जो आम के वृक्ष थे वो एक ही पंक्ति में काफ़ी सारे थे और जिसके ऊपर स्वादिष्ट या

वह उस उसके पास थी छड़ी थी रोहन एंड क्विकली क्विकली मैनेज टू जंप ओवर द बट अंकुर जैसे चौकीदार उन तीनों के ऊपर चलाया उनमें से जो रोहन और जॉय जल्दी से दीवार को कूदने में सफल हुए और जो तीसरा दोस्त अंकुर था वो पकड़ा गया द वॉचमैन हैल्ट हीज हैंड टाइटली एंड हिम इन टू हिम टू द ओचार ओनर जो चौकीदार था वो उसने उसकी बाजू को अंकुर की बाजू को टाइटली पकड़ लिया कस के पकड़ लिया और वहाँ के जो बाग का मालिक था उसके पास ले गया खींच कर उसको मालिक के पास ले गया बाग के मालिक के पास ले गया द ओनर वोक काम जो ओनर था मालिक था वो शांत दिख रहा था बट फॉर मी डीएबल परंतु भयानक था मतलब ड्रामना था मतलब जो मालिक था वहाँ को वैसे तो शांत दिख रहा था और बहुत ही ड्रामना सा फील हो रहा था अंकुल वाजियर अंकुर डर गया ही फेल डैट द ओनर वुड ड्रेस इम उसे लगा कि ओनर अब उसकी पिटाई करेगा जो मालिक है अंकुल ने महसूस किया कि जो मालिक है अब उसकी बहुत ज़्यादा पिटाई करेगा ही वाज आल्सो सेम बिकॉज ही वॉच कैस्ट रेड हैंडेड उसे जो अंकुर था उसको शर्म भी महसूस हो रही थी क्योंकि वो आम चूसते हुए और आम को अपनी पॉकेट में चोरों की तरफ भरते हुए रंगे हाथों पकड़े गए थे इसलिए उसको शर्म भी महसूस हो रही थी एज द एज द ओनर वाक टू हीम जैसे ही मालिक उनके पास आया अंकुर वाज सिवरिंग विद फिर जैसी मालिक उसके पास आया और अंकुर डर से कांपने लगा एंड एक्सपेक्टिंग टाइट स्लैप और उसने उसको लगा कि उसके मुंह पे अभी जो मालिक है वो स्लैप लगाएगा थप्पड़ मारेगा व्हाट इज योर नेम द ओनर आस्क वेयर डू यू लिव परंतु ओनर ने उससे क्या पूछा व्हाट इज योर नेम नेम तुम्हारा क्या नाम है वेयर डू यू लिव तुम कहाँ रहते हो आई एम अंकुर आई स्टडी इन द क्लास नियर बाई अंकुर ने कहा कि मैं अंकुर हूँ और मैं आपके स्कूल में पढ़ता हूँ डो यू लाइक मैंगोस अंकुर नॉवेल हिच है जो मालिक था उसने पूछा कि क्या तुम आम को पसंद करते हो अंकुर ने सिर हिलाते हुए कहा हाँ मुझे आम बहुत ही पसंद है रेडियो कम रेडियो कम अलोन आस्क द ऑनर ऑनर ने पूछा क्या तुम यहाँ अकेले आए हो अंकुर ओचार

मैंगो से भरी हुई टोकरी लेकर आओ ब्रिंग मिन्स लाना बास्केट अब टोकरी और मैंगो तुम हुई एक टोकरी लेकर आओ ई सिग्नल रोहन आल्सो टू कम और जो मालिक था उसने उसके जो दोनों दोस्त थे जॉय और रोहन उनको भी इशारा किया कि तुम भी मेरे पास आ जाओ जॉय एंड रोहन स्टील स्टोड हिम परंतु जॉय और रोहन दोनों अभी तक वहीं खड़े थे मतलब ऐसे ही जहाँ रहे थे परंतु मालिक के पास नहीं आए द ओनर अंकल टू कॉल दै इन मालिक ने जब रोनर जो है उसके मालिक के बुलाने पर नहीं आए तो मालिक ने अंकुर को कहा कि तुम इनको बुलाओ अपने दोस्तों को तुम अपने पास बुलाओ अंकुर साउट अंकुर चलाया कम ओवर भी तुम यहाँ आओ जो आए जो आए कम कम ओवर यहाँ जाओ कम ओवर रोन, रोन तुम भी आ जाओ दे सोन ज्वाइंट दै लुकिंग स्किल्ड एंड गिल्टी। वे दोनों भी जल्दी से वहां आ गए दोनों ही डरे हुए थे और दोषी से दिखाई दे रहे थे जो उसके दोनों दोस्त वो भी वहाँ आए वो दोनों डरे हुए भी थे और दोषी भी दिख रहे थे द वॉच मैन सुन ब्रो था बास्केट और मैंगो जो चो, चौकीदार था तो वो जल्दी ही मैं, बास। मैंगो से भरी हुई टोकरी लेकर आया यहां देखिए मैंगो से भरी हुई टोकरी लेकर आया मालिक ने कहा यू आर लाइक माई चिल्ड्रन तुम मेरे बच्चों जैसे हो दिस इज योर और यह तुम्हारा भाग है यू नीड नॉट एंटर हेर लाइक थिंग्स तुम्हें यहाँ पर चोरों की तरह आने की आवश्यकता नहीं है ओके okay,